देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हौली हौली सारे नु शक जा पई जांदा हुण की होगा जी। यही तो मैं सोच रहा, भैरवी ते रॉकी साहब दी सुई साडे ते आके अटक गई है। मैनू तो लगदा कि भैरवी रॉकी जां समोन चो किसे इक ने मारिया गीत नू। मैनू तो डर जा लगी जांदा। आखिर भैरवी अपने आप को समझती की? एक तो आप गीटोली दे पिंड गई, उत्तों दे परिवार को भी कुछ नहीं कड़वा सकी। एक कल्ली जाने तक खबरें मोड़ी आंदी, हुण तां रॉकी वी उहदे नाल गया सी ना। पता आपने कुछ कर पाई थे, सारा गुस्सा मेरे ते कड्डी जा रही है। मैनू की पता सी कि वो दोवे मेरे को वेटर्स का नंबर कढ़वा लेंगे। मेरे ते औखी होई फिरदी है कि आखिर मैं उस केटर्स का नंबर क्यों दिता मलहार नू। मैं भी तो मलहार के सामने नंबर बनाने से ना, मैनू की पता सी कि वो सिर्फ खाने बारे नहीं पूछेंगे बल्कि उस वेटर का अग्गा पिछा भी पता करेंगे। पर ये गल तो मेरी समझ में भी नहीं आई कि आखिर उस कुड़ी नू वेटर्स बारे पूछने की इन्नी की पई है। आखिर ये कुड़ी है कौन? Hey you, गल सुन मेरी। मी एक ही तरीका मेरे ना गल करन दा। Don't forget, okay? कि मैं हाँ पता है कि तू इत्थे पैसे लेके आई है। मेहरा परिवार ने तेनू पैसे दिते ने, तेरे नाल सौदा कीता है एक्टिंग करन दा। पर तू मैनू एक गल दस, केटरर्स को खाने बारे पूछा हो तो ठीक है, पर तू उन्हें वेटर्स बारे क्यों पता कर रही सी? आर यू फॉलोइंग मी? तो चोरी चोरी मेरा पीछा कर रही है, गल्ला सुन रही है मेरिया? मैं तेरा पीछा करने या तेरिया गल्ला सुनने की कोई लोड़ नहीं है। मैं तो बस उन्हें केटरर्स को फोन किया पूछने वास्ते कि उन्होंने तुहाडे नाल चंगी तरह गल की भी है, चंगी तरह सब कुछ दस्या भी है या नहीं। पर अगो मैनू ये पता लग गया कि तुसी उन्होंने वेटर्स बारे पूछगिछ कर रहे से। आखिर तो चल की रहा? दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैं जिन्हों जो पूछना है, जितना जो गल करनी है वो मेरी मर्जी। तेनू ओदे नाल की, तेनू किस गल का फिकर है? गल नू घुमा फिरा के करन दी कोशिश ना कर। तेनू चंगी तरह पता है कि तू की करना चाहनी है। जे तेनू सब पता है Then why are you asking me? तेनु था दसना चाहिदा मैनू कि मैं की कर रही हूँ। ते सुन फिर, तू उस गीत बारे पता लगाने की कोशिश कर रही है ना? जिस दिन वो गायब हुई सी, वो सारे वेटर्स उत्थे ही सी। तू यही पता करना चाहनी है ना कि आखिर वो वेटर्स उत्थे कौन सी, केड़े सी? वाह, तीर तो एन निशाने तो लग्या। अगला बार भी हुन कर ही देना चाहिए मैं। ओके, सो दिस इज योर थ्योरी। जे तुसे इदा सोचते हो देन आई हैव टू से बिल्कुल सही सोचते हो तुसे। पर तू गीत पर ही सब कुछ पता क्यों कर रही है? एक पासे तो तू कह रही है कि मेरा परिवार तेरे को तक्के नाल एक्टिंग करवा रहा है, तो दूजे पासे तेनू गीत की बड़ी फिक्र है। सी गर्ल, दिस इज अ सेपरेट थिंग। ये गल होर है कि मैनू इस एक्टिंग करन च कोई इंटरस्ट नहीं है, बट एक गल मैनू बहुत फैसिनेट करती है कि कोई हुंदी सी इत्थे जिहदी शक्ल बिल्कुल मेरे वर्गी सी। जे उह जिउंदी हुंदी तो साड़ी मीटिंग कुछ इंटरेस्टिंग होनी सी, बट सैड मर गई है ना। बट हाले भी मैं क्यूरियस हाँ, मैं सोचती हाँ कि किदां दी सी, कौन सी, ते मारिया कीने सी उन्हें। आफ्टर ऑल यही तो मेरी जॉब है, उहदा रोल प्ले करना, राइट? दैट्स इट, दैट इज़ वाई मैं उहदे बारे जानना चाहनी हाँ। पर तू गीत की मौत बारे क्यों पता करना चाहनी? हो थोड़ी हो
तेनू किने कहा कि मैं उहदी डैथ बारे जानना चाहनी हाँ। बाय द वे वन मोर थिंग, जे मैं जानना चाहनी भी हाँ तां तेनू की प्रॉब्लम आ? कितें तेनू डर तो नहीं लगता पिया कि कोई गल सामने ना आ जाए जिहड़ी गल सामने नहीं आनी चाहिए? केड़ी गल, किदां दी गल? देख मेरे सामने ना तेरिया चाला चलन वालिया नहीं है। चाला? यू मीन ट्रिक? मैं तो हले कोई ट्रिक चली ही नहीं तेरे अगे। मैं तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, तू उस भी डर गई? हाले तो मैं कोई डैथ बारे क्वेश्चन पूछा ही नहीं तेनू। देख मेरी गल ध्यान नाल सुन गीत भाभी, आई मीन रिदम मैम, वड्डे मामी जी तुहानू बुलांदे पए। ओके कमिंग। ओके बाय सिमान डार्लिंग। बाय द वे रिदम सिंह अपनी जॉब पूरे दल तो करती है। बाय। मेरे सामने मुंह नहीं ना खोल दिए, इहदा मुंह किसी होर कोलो खुलवाना पएगा। वड्डे भाई साहब, तुहानू भावे मेरी ना गल चंगी ना लगे पर मैनू लगता है कि तुहानू ना उस कुड़ी उत्ते इन्नी छेती यकीन नहीं सी करना चाहिए। एक बार सोच तो लेंदे कि अगली दी दिल च की है। जो कुछ भी हो रहा है ना घर च वड्डे भाई साहब, ये मैनू ना सही जानी लगता पिया। ई सही नहीं लगता पिया तेरे आही आ कुड़ी नू इदां घर लैके आउणा? मैनू तो अजे भी यही लगता है कि वह कोई होर नहीं, वह गीत ही है। पर यह तो मैनू समझ नहीं आता पिया, जे गीत जिंदी होंदी ना इस घर विच जरूर आती। उहनूं इदां रिदम बन के आने की लोड़ पई सी। शक तो मैनू भी अंकल। तेनू भी क्यों? गल ही शक होने वाली है अंकल। मैं सुनिया है कि गीत के पिंड विच उहदे घरदिआं ने होली मनाई है। होली मनाई है? वह भी धी की मौत तो बाद? हाँ वड्डे भाई साहब, आ वेख लो इन्हां दे काम है इदां भला कौन करदा है? मैं तो कहनी हाँ ना तुसीं उहनूं हुणे इत्थे बुला के ना इत्थे सामने खड़ा करो। ਵੱਡੀ ਰਿਦਮ ਸਿੰਘ ਕਿੱਡਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਂਗ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗੀਤ ਹੈ ਪੱਕਾ। ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੀਤ ਹੀ, ਪਰ ਰਿਦਮ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਬਸ ਇਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੰਮੋ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਪਈ ਜਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਚਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮਸਾ ਮਸਾ ਤਾਂ ਜਸਲੀਨ ਭਾਬੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿ ਆਂਟੀ ਜੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਧੋਖਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ? ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਅੰਕਲ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਭੈਰ ਵੀ ਗੀਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ। ਗੀਤ ਪੁੱਤਰ ਆ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਢਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਭਲਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਲੋਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਵੀ ਲੋਕਰ 'ਚ ਪਏ ਪਏ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ।
अच्छा मतलब हुण इहनूं इह वी पता सी कि लॉकर दीआं चाबीआं कित्थे ने? इहनूं कित्थों पता हो? क्यों जसलीन भाभी जी? हाँ इहनूं कित्थे लब्भीआं सी चाबीआं? इह ते मैं मल्हार नूं कहा ते उहने दस्सिआ। वरगीत हुण ते इह जिम्मेवारी सामणे है, इस घर दी हर चीज़ का ध्यान रखना है। हुण तूं कित्थे नहीं जाणा, तू मेरे कोल ही रहना है। हाँ जी मम्मी जी, मैं कितने नहीं जाती, तुहाडे कोल ही हां मैं। एक तो पता नहीं यार मेरे सिर नूं की हुंदा रहिंदा, हर वेले बस पता नहीं किद्दां दे सुपने आउंदे ने। मैं तेरी लाश वेखी गीत, तेरी लाश। मैनू बस यह फिक्र रहिंदा गीत, तू कित्थे ना जाई, तू हुण कित्थे ना जाई, हां कित्थे ना जाई तू? जसवीन जी की हो गया तुहानू? छड्ड के मम्मी जी को आखिर होया किसी? कुछ नहीं होया, इतना ही बस गल करते करते एकदम इन्हां दी तबीयत खराब हो गई। मुंह खोल लो प्लीज। ओके देन आई एम लीविंग, मैं चल दी। तैनू कोई ज्यादा काली नहीं जानदी, थोड़ी देर रुकना नहीं बनता तेरा, माड़ी मोटी कोई जिम्मेवारी भी नहीं तेरी है? सी आंटी जी, मैं इत्थे इस घर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामभ नहीं आई। आई एम हेयर बिकॉज तुसी सारे ने मैनू इत्थे बुलाया, देन वी डिड अ डील राइट, साडा एक सौदा होया सी। सो आंटी जी दी केयर करना दैट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके? सो इट्स बैटर कि तुसीं मैनू चंगी तरह बिहेव करके बुलाओ, अंडरस्टैंड? Yeah. ज्यादा जबान ना चला गीत। सॉरी नॉट गीत, रिदम सिंह। आई एम रिदम सिंह, आई एम गीत ओनली फॉर हर। मैं सिर्फ जसलीन आंटी जी वास्ते गीत हाँ, नॉट फॉर एनी वन एल्स, ऑल राइट? सो डोंट कन्फ्यूज मी विद योर डॉटर इन लॉ, मैनू इस घर की नूह ना समझो प्लीज। आई एम नॉट द सेम परसन, मैं वो नहीं है जो इत्थे रहिंदी हुंदी सी, आई एम समवन एल्स। मेरी पहचान कुछ होर है। ये बिल्कुल ठीक कह रही है कमो दीदी, तुसी हुण कोई ना अपनी नवी कहानी ना शुरू कर लियो, पता किन्ने औखा मनाया इहनूं इत्थों आउण लई, हुण तुसी कोई उदां दी गल करके इहनूं उत्थों भजा ना दिओ। जे कि भाजी तुसी समझाओ हुण कमो दीदी नूं कुछ। हुण मैं की समझावां, मैनूं तां अज तक इह समझ नहीं आउंदा पिआ कि इह गीत है जां रिदम। You guys are sick. तुसी सारे जने पागल हो। You know that? Mental treatment दी सिर्फ जसलीन जी नूं लोड़ नहीं, तुहानू सारिआं नूं भी है, including JK मेरा। तैनूं पता भी है तू किधर गल करदी पई है, जानदी है तू मैनूं? मैं जानना भी नहीं चाहुंदी। You know? आई फील सो स्ट्रेंज, जिदा तुसी सारे जने बिहेव कर दे अपनी डॉटर इन लॉ दी डेथ तो बाद। क्यों इहदे विच की अजीब लगता पिया तैनूं? असीं सारे दुखी हाँ, परेशान हाँ, और असीं खुशियां मनाइए गीत दे मरण दीआं। मना सकदे हो इफ यू वॉन्ट टू,
Because you guys don't care at all, right? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਡੈਥ ਬਾਰੇ? Tell me. Did you even try to find her killers? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? Wasn't it strange? ਕਿਉਂ ਇੱਕਦਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ? Then, dead body? ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵਿਕੀ ਇੱਕ ਲਾਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਵਾਉਣ ਲਈ? ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਵਾਰ 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 ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਬਸ ਉਹੀ ਬਕਵਾਸ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੋਚੋ। ਜਸਟ ਟੈਲ ਮੀ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੰਨੇ ਕਿਊਰੀਅਸ ਕਿਉਂ? ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਦਮ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੀਤ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੀਤ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੂਬਹੂ। ਮੇਬੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਮਲਹਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹਿਰ ਵੀ ਦੈਟ ਗਰਲ ਵੈਂਟ ਟੂ ਹਰ ਵਿਲੇਜ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਦਮ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੀਤ। ਯੂ ਗਾਈਸ ਟੈਲ ਮੀ, ਇਵਨ ਇਫ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗੀਤ ਵਾਪਸ ਆ ਵੀ ਗਈ, ਵਟਸ ਦ ਇਸ਼ੂ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਕਮ ਔਨ ਸਪੀਕ ਅਪ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੋਲੋ। ਟੂ ਗੈਟ ਕਾਲ, ਦੱਸੋ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਓਕੇ, ਡੋਂਟ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਜਨਾਬੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਓਕੇ ਫਾਈਨ, ਆਈ ਐਮ ਲਿਵਿੰਗ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਗੀਤ, ਰੁਕ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੀ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਆ ਜਾ ਮੈਨੂੰ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਸਰੀਦਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ? ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੈਰ ਵੀ। ਆਖਿਰ ਉਸ ਰਿਦਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਪਈ ਹੈ ਗੀਤ ਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿ ਗੀਤ ਕੌਣ ਸੀ। ਹਾਂ ਭੈਰਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੀਤ ਦੇ ਬਰਥਮਾਰਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਹਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾਤਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਚਾਲ ਵੀ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ? ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਸੁਣ, ਸਮਝ ਗਈ? ਹਾਂ ਭੈਰਵੀ, ਸਮਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ।
बिल्कुल सही, कोशिश करेंगे ता ही गल बनेगी। हुण वारी है हौली हौली रिदम सिंह दे द्वाले शिकंजा कसण दी, ताकि ओदी असली पहचान सारी दुनिया दे सामने आ जाए। ये भैरवी भी एक तो वध के एक खतरनाक स्कीम बनाती रहती है, पर सिर्फ बनाती है, उन्हें सिरे चाड़न की सारी जिम्मेवारी मेरे मोढ़िया उत्ते सुट दिंदी है। हुण इहनूं की चाहिए था? हाँ भैरवी। हाँ सिमोन, तैयार है ना? मेरे 7 दिन के चैलेंज की तीजी चाल चलन ली? हाँ चल, दस की करना? बस ज्यादा कुछ नहीं, मेहरा हाउस का बूहा खोल दे, बाहर कोई खड़ा होएगा। ठीक है।